हम जो है बेड की मानम वैसे अपने घर में अपने जो इमरजेंसी रूम है, जिन लोगों ने पहले लॉक देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि इमरजेंसी लॉक के अंदर मानम अब दूध पिला रही है, मुस्तकिल हम लोग नहीं पिला रहे। लेकिन इस वक्त मानम को पकड़ा है क्योंकि काफ़ी देर से मानम निकली हुई थी और बच्चे भूख से बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे। तो अब मानम को मैंने कहा व्लॉग भी बनाना था, आप लोगों को भी दिखाना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो सोचा कि चलो जल्दी से बना के दिखा देती हूँ और पकड़ के ले आई हूँ। और उनका ये पिंकी ब्लैंकेट बिछा दिया और ये दुदू पी रहे हैं इस वक्त के। मानम आपके बच्चों दिखा नहीं पा रहे होंगे, ये देखें मानम के बच्चों की, एक बच्ची की टांग ये है। और जी गाइस फैमिली, मैंने आप लोगों को दिखाए थे अपना जी गए और अभी कितने कोको, और ये है बहुत ही आए, मैं पकड़ती हूँ, देखते ये हाथ में आ रहा है या नहीं। असल में आदी नहीं है मेरे हाथों के ना, तो मैं भी नहीं लेती इन लोगों को, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन न्यू ब्लॉग किरण फ्लैक्स में, बहुत बहुत खुश आमदीद जनाब। जैसे कि आप देख रहे हैं आज है छठा दिन हमारे मानम के बच्चों का, मानम यानी खरगोश। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मानम मेरे खरगोश का नाम है और उसके बच्चों को आज माशाल्लाह माशाल्लाह से छठा दिन है। और इस वक्त हम जो है ये लंच टाइम है इनका और ये फीड करवा रही है मानम जो है बेड की। मानम वैसे अपने घर में अपने जो इमरजेंसी रूम है, जिन लोगों ने पहले लॉक देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि इमरजेंसी लॉक के अंदर मानम अब दूध पिला रही है, मुस्तकिल हम लोग नहीं पिला रहे। लेकिन इस वक्त मानम को पकड़ा है क्योंकि काफ़ी देर से मानम निकली हुई थी और बच्चे भूख से बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे। तो अब मानम को मैंने कहा व्लॉग भी बनाना था, आप लोगों को भी दिखाना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो सोचा कि चलो जल्दी से बना के दिखा देती हूँ और पकड़ के ले आई हूँ। और उनका ये पिंकी ब्लैंकेट बिछा दिया और ये दुदू पी रहे हैं इस वक्त के। मानम आपके बच्चों दिखा नहीं पा रहे होंगे, ये देखें मानम के बच्चों की, एक बच्ची की टांग ये है और एक बच्चे की टांग ये है। साथ में मेरी पार्टनर है जो दुदू पिलाने में मेरी मदद कर रही है। और जो है देखें बच्चे आराम से दुदू पी रहे हैं और अम्मी यानी मेरी पार्टनर उन्होंने ऊपर हाथ रखा हुआ है और मानम बदतमीजी कर रही है, अम्मी उसे सहला रही हैं ताकि वो जो है रिलैक्स हो जाए और बच्चे आराम से दूध पी लें। देखें बाहर निकल आए हैं माशाल्लाह से छठे दिन में, माशाल्लाह माशाल्लाह से जो पिंक पिंक चिकने चिकने थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अब वाइटनेस आ गई है बालों में उनके, यानी बाल आ गए हैं अब वो चिकने चिकने गुलाबी गुलाबी से गोश्त के लोथड़े नहीं लग रहे अब वाकई में मानम के बच्चे लग रहे हैं, यानी खरगोश के बच्चे लग रहे हैं। ये देखो इनका खूबसूरत अच्छा अंदाज, पैरों को जो है धक्के मार मार के अंदर जाके दूध पीना और ब्लैकी वहाँ से घुस के अम्मा के यहाँ तक आ गया है। ये देखिए दिखा सकते हैं हम आपको, नहीं दिखा सकते, चलो कोई बात नहीं। ये देखें ब्लैकी जो है आधा अम्मा के बिल्कुल नीचे हो चुका है। और मेरे ख्याल से मैं व्लॉग एंड करती हूँ, व्लॉग एंड नहीं करती हूँ वीडियो एंड करती हूँ, व्लॉग तो अभी कंटिन्यू रहेगा, मैं अपने बाकी पेट्स भी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं ज़रा अम्मी की हेल्प कर दूँ ठीक है, और फिर इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें दिखाऊंगी आपको जो जो मेरे पेट्स हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा जो नए आने वाले हैं उन लोगों को बता दूँ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दिया करें। सब्सक्राइब का जो बटन है वो लाल रंग का है, जिन्होंने नहीं प्रेस किया हुआ है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब मज़ीद आपको वीडियो में कंटिन्यू करूँगी दिखाऊँगी, मज़ीद अपनी बाकी चीज़ें अम्मी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलें फिर देखते हैं। जी गाइस फैमिली, मैंने आप लोगों को दिखाए थे अपना जी मानम के बच्चे और अब ये मैंगो हैं, मैंगो इस वक्त सीटियाँ बजा रही हैं। मैं भी बजा रही हूँ, मुझे रिटर्न में जवाब दे रही थी, ये इन्होंने तो अभी तक कुछ दिया ही नहीं है, देखते हैं। नहीं इनका घर खाली है अभी तक। नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे ब्लू है, ब्लू के पापा हैं, वाइटी है, ग्रीनी कहाँ है, ग्रीनी में भी शायद अंदर है, अब क्या कर रही है देखिए, दो अंडे दो शंडे सिर्फ बैठी हुई है। मामा क्या कर रही है, मामा यहाँ पे मजीद अंडे और बेबीज के साथ हैं, देखें कितने बेबीज हैं, कितने दिख रहे हैं।
दो बेबीज दिख रहे हैं, एक काफ़ी बड़ा है और तीन बेबीज हैं और अभी चार अंडे बाकी हैं। ये देखिए आई क्यूटी छुप गए हैं और अभी कितने बाकी हैं, एक दो तीन अंडे बाकी, तीन बेबीज आ गए हैं और तीन अंडे बाकी हैं अभी। और चले हम चलते हैं मैंगो को लेके अंदर। बैठा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था कल भी कि ये हैंड ट्रिम है, इसकी वजह से मैं जो अभी कोई मेल हैंड ट्रिम मिल नहीं रहा है। अगर किसी के पास हैंड ट्रिम मेल हो कराची में हो वो और वो सेल करना चाह रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जो है अगर मेरी रेंज में होगा तो मैं इनके लिए मेल लूँगी, लेकिन मैं हैंड ट्रिम ही लूँगी, वाइल्ड नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैंने वाइल्ड लिया तो फिर उसे वो जो है ना इसको भी वाइल्ड कर देगा और मैं वाइल्ड नहीं करना चाह रही, क्योंकि मैंने जो है छोटी सी बेबी ली थी, चिक लिया था ये, और चिक लेके मैंने इसको जो है ना हैंड ट्रिम किया है। इस वक्त भी ये मेरे हाथ पे बैठी हुई है, देखें देख सकते हैं आप लोग। इस वक्त जो है ये व्लॉग में जो है सीटी में बजा रही हूँ, वो जवाब नहीं दे रही, वरना ये जवाब देती है और जो है विसल करती है, फिलहाल नहीं कर रही। कोको और ये है बहुत ही डेंजर, कोको को काटने की बनती बीमारी है, हालांकि कोको बिल्कुल भी गोश्तखोर नहीं है बल्कि वेजिटेरियन है, अभी भी इनके उस पर वेजीज पड़ी हुई है सारी, लेकिन कोको मारने में और काटने में माहिर है। ये भी है हाहा ही ही, जिनको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, और ये देखें भाग गई, हाहा ही ही जा रही है इस वक्त अपनी पोर्शन में, जिस गैलरी में उन्हें रखा जाता है वो उस पोर्शन में ही रहते हैं ज़्यादा टाइम, और इस वक्त ये हमारे दालान में आ गए हैं, इनको भी थोड़ा सा मैंने कहा शूट कर लूँ आप लोगों के साथ। फैमिली ये देखें, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था तो कल को तो बहुत ही थोड़े से दिखे थे, इस वक्त जो है जो ब्लैक लगा है वो अपना अंडा छोड़ के बाहर आई हुई है, और ये देखें मुझे देखा और ये वापस चली गई अंदर, सामने दोनों मेल बैठे हुए, ब्लैक लगा और वाइट लगा, ये दोनों मेल हैं, और शाम का टाइम हो गया है, इस वक्त ये लोग जो है वॉक कर रहे हैं। मैं अभी गैलरी में आके दिखाती हूँ, ये देखें मैं गैलरी में आ गई हूँ, और गैलरी में आके मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, आए मैं पकड़ती हूँ, देख रही है हाथ में आ रहा है या नहीं, असल में आधी नहीं है मेरे हाथों के ना, तो और मैं भी नहीं लेती इन लोगों को, ये देख ले लिया और ये उतर गए उधर के, ये मिट्टी रखी हुई है इनके लिए, इनको नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश पूरी की जाती है, और देखें असल में ये दोनों नर हैं, दोनों मेल हैं और दोनों लड़ रहे हैं, नहीं लड़ो नहीं, लड़ाई हो गई है, ज़रा एक मिनट में हटा दूँ, हटो तुम, हटो तुम, हटो एक हट जाओ तुम, हट जाओ वाइटी आ जाओ, वाइटी को पकड़ लिया है मैंने, एक सेकेंड आप वाइटी को पकड़ लिया था, लेकिन वाइटी हट गए हैं, और नीचे मैं आप लोगों को दिखा देती लेकिन अंडे होने की वजह से नीचे का नहीं दिखाऊंगी कुछ। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि बाहर ट्रैफिक का शोर शराबा होने की वजह से मेरी आवाज़ शायद दब जाए इसमें। चलें फिर मैं आपको बाकी अंदर के किटन्स दिखाती हूँ, ये बैठे हुए मेरे बाकी बच्चे इस वक्त यहाँ पर, मैक्सी मैक्सी मेरी क्वीन है ये तो, ऐशी ऐशी बेटी, ऐशी बेटी, ऐशी नहीं, ऐशी इंसल्ट करने के मामले में बहुत ज़बरदस्त है, डेढ़ वरी बैठी रहेगी, मुखातिब करते रहो, असल में ऐशी जिन घर जिस घर से आई है मुझे नहीं पता, अडॉप्ट हुई है हमारे पास, अडॉप्शन में आई है, तो उसकी फैमिली में उन ऐशी ऐशी नाम लेते थे, ऐश लेते थे, क्या लेते थे मुझे नहीं पता, ऐशी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती है, और ब्राउनी ब्राउनी सो रहे हैं इस वक्त, ये देखें ब्राउनी 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 नींद नू कर रहा है, ब्राउनी गहरी नींद में शो रहा है, शो गया, चो शो, बाकी मेरे ये तीन बच्चे यहाँ सो रहे हैं,
और इनो कहाँ है, इनो पता नहीं कहाँ है इस वक्त, वरना मैं आप लोगों को इवो भी दिखाती। चलें जी ब्लॉग को एंड करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिन लोगों लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, आप लोगों की सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलेगी। अपना और अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।